पाकिस्तान सरकार के विज्ञान मंत्री ने अब तक का सबसे बड़ा चमत्कार का ऐलान किया है। चमत्कार ऐसा कि पाकिस्तान का नाम इतिहास के उस पन्ने में दर्ज होगा, जिससे जब भी कोई पढ़ेगा वो पाकिस्तान के इस मंत्री के लिए दो शब्द जरूर कहेगा। ये दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य, पाकिस्तान के पास मंत्रियों के नाम पर नमूनों की पूरी फौज है। दरअसल पाकिस्तान के विज्ञान मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान कश्मीर के लोगों के लिए इंटरनेट सुविधा देने पर काम कर रहा है, वो भी सैटेलाइट के जरिए। जी, फवाद चौधरी ने पाकिस्तानी मीडिया के सामने कहा है कि आजकल इंटरनेट को मूलभूत अधिकार माना जाता है। हमने सुपारकों से पूछा है कि क्या किसी भी तरह से कश्मीरियों तक इंटरनेट की पहुंच करा सकते हैं, जिससे कश्मीर के लोग अपने मूलभूत अधिकार का इस्तेमाल कर सकें। फवाद चौधरी के इस बयान का ट्विटर पर जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा है कि कृपया सैटेलाइट युद्ध का खेल न खेले, ये पाकिस्तान के लिए सबसे खतरनाक होगा। तभी एक यूजर ने ट्रोल करते हुए लिखा कि फवाद चौधरी का ये मजाकिया विचार पाकिस्तान के लिए बड़ा मजाक है। एक दूसरे यूजर ने लिखा, पंजगुर में 1.5 महीने से इंटरनेट सर्विस बंद है बगैर किसी कारण, पहले अपने लोगों को इंटरनेट दें फिर दूसरों के बारे में सोचें। वैसे जिस सुपारकों की बात फवाद चौधरी कर रहे हैं, वो असल में पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव और नेशनल स्पेस एजेंसी के साथ ही चीन के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का द्विपक्षीय संगठन है, जो पाकिस्तान के सार्वजनिक और अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ ही एरोस्पेस अनुसंधान के लिए काम करता है। पर फवाद चौधरी चाहते हैं कि यह संगठन सैटेलाइट के जरिए जम्मू कश्मीर की जनता को इंटरनेट सुविधा मुहैया कराए। सिर्फ आश्चर्य नहीं, घोर आश्चर्य होता है कि जिस पाकिस्तान को टमाटर से लेकर प्याज तक के लाले पड़े हैं, वो पाकिस्तान कश्मीर की जनता को इंटरनेट की सुविधा देना चाहता है। अब इसे पाकिस्तान का पागल नहीं कहे तो और क्या कहे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।